उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घर से स्कूल के लिए निकली दो छात्राएं रास्ते से लापता हो गईं। गांव में सड़क किनारे दोनों छात्राओं की साइकिलें और एक नाले में बैग से कपड़े मिले हैं। दो छात्राओं के लापता होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में SP अनुराग वत्स मौके पर पहुंचे और स्वाट क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 4 टीमें गठित कर मामले की जाँच शुरू कराई। जानकारी के अनुसार जैतपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली कक्षा 8 और कक्षा 9 की दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में रास्ते से लापता हो गईं। दोनों छात्राएं एक ही गांव में रहने वाली चचेरी बहनें हैं। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे घर से शहर के श्री साई इंटर कॉलेज के लिए दोनों साइकिल से निकली थीं। रास्ते में तकिया चौराहे के निकट डीह गांव में राहगीरों ने सड़क पर दो साइकिलें और स्कूल की टाई बेल्ट पड़ी देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क किनारे बने नाले से एक बैग में छात्राओं के स्कूली ड्रेस भी बरामद किए हैं। SP अनुराग वत्स ने कहा कि जल्द ही दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा और उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। छात्राएं अपने एक स्कूल जिसका नाम साई इंटर कॉलेज है वहां जाने के लिए निकली थी अपने साइकिल से और यहीं पर उनके साइकिल और जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी वो बरामद हुई। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें हमने अपने एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में हमने 4 टीमों का गठन किया है जिसमें हमारी जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच और CO सदर, हमारे CO क्राइम, ये सब इसमें अधिकारियों को लगाया गया है और बहुत ही जल्द वो लड़कियों को बरामद करके, बच्चियों को बरामद करके उनके परिवार को सकुशल सपोर्ट किया जाएगा और घटना का नाम रखा।